हाय फ्रेंड्स, क्या कर रहे हैं सब लोग? मैं तो पनीर बनाऊंगी और पनीर के बहुत सारे रेसिपी मैं बनाती हूँ, लेकिन ये रेसिपी मेरा सबसे पसंदीदा रेसिपी है, क्योंकि इसका जो ग्रेवी बनता है ना, वो इतना ज़्यादा स्मूद और इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो उसका बात ही मत करो। वो तो यूँ सोचने लग जाती हूँ तो ही मेरा मुँह में पानी आ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैं पनीर का कौन सा वाला रेसिपी बनाऊंगी, ये तो एक क्वेश्चन है ना। हाँ, आज मैं बनाऊंगी पनीर बटर मसाला, और एकदम रेस्टोरेंट जैसे बनेगा। मैं तो रेस्टोरेंट में, ढाबे में बहुत बार खा चुकी हूँ। ढाबा में जब भी जाती हूँ तो मैं पनीर बटर मसाला लेती हूँ, और उन लोगों का वो जो स्मूथ ग्रेवी है वो मेरा बहुत ही पसंदीदा चीज़ है। तो आज मैं उसी स्टाइल में, मेरे तरीके से बनाऊंगी पनीर बटर मसाला। चलो लेट्स स्टार्ट। रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है पनीर, उसके साथ साथ टमाटर, लहसुन, धनिया चॉप्ड किए हुए, ग्रीन चिली, जिंजर, दालचीनी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, ऑब्वियसली बटर, हमें चाहिए फ्रेश क्रीम, और चाहिए भिगे हुए कैशू। तो चलो अभी बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल बटर पनीर मसाला। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है और बटर भी डाल दिया है। अभी मैं डाल देती हूँ दालचीनी, उसके साथ साथ मैं डाल रही हूँ लहसुन, थोड़ा सा नमक, इसके साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली, और इसको ऐसे फ्राई कर लेना है। इसके साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ टमाटर, इसको सौते कर लेना है, तो मैं इसको सौते कर लेती हूँ। और अभी मैं ऐड कर देती हूँ जिंजर, इन सारे को अभी सौते कर लेना है। टमाटर हमारा मैशी हो जाए उसमें तक सौते कर लेना है। ऐसे देख लीजिए, टमाटर हमारा पूरा का पूरा मैशी हो गया, और ये अभी रेडी है, लेकिन इसको मैं अभी पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि ना उससे एक बहुत ही स्मूथ सा ग्रेप। देख लीजिए, टमाटर हमारा मैशी हो गया और ये अभी रेडी है, लेकिन इसको मैं अभी मिक्सर ग्राइंडर जार में लेके पेस्ट बना लूँगी, उससे ना ग्रेवी एकदम स्मूथ बनेगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे। तो इसको अभी ठंडा होने दीजिए, उसके बाद मैं मिक्सर ग्राइंडर जार में पेस्ट बना लूँगी। तो मैंने फिर से पैन चढ़ा दिया है और मैं अभी डाल रही हूँ बटर। बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने दीजिए। देख लीजिए, तो बटर हमारा मेल्ट हो रहा है। अभी मैं ऐड कर देती हूँ धनिया पत्ता, और इसको थोड़ा सा बटर के साथ साथ भून लेती हूँ। इससे ना बहुत ही अच्छा एक खुशबू आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको ऐसे भून लीजिए। और अभी मैं इस मिक्सचर को ऐसे एक छलनी की मदद से छान के इसके अंदर दे दूंगी, उससे ना बहुत ही स्मूथ ग्रेवी बनेगा, बहुत ही टेस्ट लगता है। तो इसको ऐसे छान लेना है, ऐसे देख लीजिए। तो मैं पूरा के पूरा छान लेती हूँ। तो देख लीजिए, मैंने पूरा के पूरा ग्रेवी ऐसे छान लिया है, और अभी मैं इसको ऐसे, इसको एक उबाल आने तक ऐसे करते रहिए, लेकिन फ्लेम को बिल्कुल लो में रखिए, ऐसे। और अभी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिए,
के साथ साथ चिली पाउडर, सारे को मिला दीजिए और बॉयल आने दीजिए ऐसे ऐसे चलाते रहिए, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। ऐसे चलाते चलाते बॉयल लाना पड़ेगा। तो देख लीजिए इसके अंदर बॉयल आ गया है। अभी मैं ऐड कर देती हूँ पनीर के पीसेस, वन बाय वन करके ऐड कर देना है ऐसे ग्रेवी के अंदर। तो मैं सारे के सारे पनीर को ऐड कर देती हूँ। तो देख लीजिए मैंने सारे के सारे पनीर को ऐड कर दिया और इसको ऐसे मिला देना है ऐसे। और ये ना बिल्कुल लो फ्लेम में पकाइए तो ही इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है ऐसे। फिर से इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ऐसे। दो मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो इस ग्रेवी के अंदर अभी मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा नमक ऐसे ऐड कर दीजिए। तो अभी मैं इस ग्रेवी के अंदर ऐड कर रही हूँ काजू का पेस्ट, जो काजू मैंने भिगो के रख दिया था उसका पेस्ट ऐड कर रही हूँ और ऐसे मिला देती हूँ। और फिर से 2 मिनट के लिए इसको पकाइए। तो देख लीजिए ग्रेवी अपना कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा कलर आया है, पूरा के पूरा रेस्टोरेंट जैसे। अभी मैं ऐड कर देती हूँ फ्रेश क्रीम। अगर आप लोगों को क्रीम पसंद नहीं है तो ऐड मत कीजिए, लेकिन इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो मैं ऐड कर देती हूँ। मेरा ये रिकमेंडेशन है कि क्रीम ऐड करने से टेस्ट और भी बढ़ जाते हैं। और इसको ऐसे मिला देना है क्योंकि ये पनीर बटर मसाला है तो मसाला के अंदर कुछ तो होना चाहिए ना, टेस्टी टेस्टी ग्रेवी बनेगा ऐसे। मिला दीजिए और इसको भी थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दीजिए। तो देख लीजिए ये हमारा पूरा के पूरा बन गया है, लेकिन इससे ही तो लास्ट नहीं होंगे ना, लास्ट में कुछ ना कुछ तो स्पेशल डालना चाहिए। तो कसूरी मेथी को ऐसे हाथों में लेकर क्रश करके इसको ऐसे दे दीजिए। कसूरी मेथी का जो एक स्मेल होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे पनीर के ग्रेवी में ऐसे। मिला दीजिए और क्रश करने डालने से ना बहुत ही अच्छा खुशबू और निकल आते हैं, इसलिए मैंने हाथों की मदद से क्रश कर लिया था। तो देख लीजिए मेरा बटर पनीर मसाला एकदम रेडी है। अभी मैं इसको सर्व कर दूंगी, पूरा के पूरा रेस्टोरेंट जैसा बनता है। ये तो मेरा सबसे फेवरेट पनीर का डिश है, एक बार आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, आप लोगों को भी पसंद आ जाएगा। तो चलो अभी मैं इसको सर्व कर देती हूँ। तो मेरा पनीर बटर मसाला भी रेडी एंड सर्व्ड। कैसा लगा मेरा ये रेसिपी? अगर अच्छा लगे ना तो मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।